हाय फ्रेंड्स, मैं आपको आप लोग को आज मटन करी कैसे बनाते हैं दिखाऊंगा। मेरा आज दोस्त एक्चुअली का फेयरवेल पार्टी है, उसके लिए मैंने मटन करी बनाऊंगा स्पेशल। तो पहले मैंने मटन को अच्छा से धो लिया, उसका ब्लॉट निकाल लिया, उसका ऊपर में 1 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक डाला, नींबू लीमन जूस डाला और सरसों तेल डाला। उसके बाद मैंने उसको अच्छे से मैरिनेट करके ऐसे फ्रिज में 4 डिग्री में रख दिया 20 मिनट के मटन लिए। करी बनाने के लिए ये सब इंग्रेडिएंट है। पहले एक बड़ा प्याज को चॉप किया मैंने ऐसे, उसको रखा है काट के। और बाकी जो मसाला है आपको थोड़ा सा मैं आई विल गो थ्रू दिस। ये है गार्लिक, देसी जिंजर चॉप किया है, एक पटाटो, 2 पटाटो चॉप किया है ऐसा, और मैंने टमाटो भी चॉप किया है। बाकी मसाला देख लीजिए आप लोग। ये है बे लीव्स, तेज पत्ता, ग्रीन का कड़ामम, ब्लैक कड़ामम, क्लोव्स, सूखा मिर्ची, रेड चिल्ली, देन यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक, रेड चिल्ली पाउडर। यहाँ पे मैंने सरसों तेल लिया। ये है, दिस इज मीट मसाला 2 चम्मच, धनिया पाउडर 2 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच। सो दीज आर द इंग्रेडिएंट्स। पहले मैंने पैन को मीडियम फ्लेम में अच्छा से हीट कर लिया और उसका ऊपर सरसों तेल मैंने डाल दिया। ऑलरेडी ये सरसों तेल हीट हो गया है क्योंकि पहले से गर्म था, तो उसका ऊपर मैं 3 सूखा मिर्ची डाला और तेज पत्ता डाल दिया, ब्लैक कड़ामम, ग्रीन कड़ामम एंड क्लोव्स। तो उसको अच्छा से मैंने मिक्स कर दिया। ये अच्छा से हीट होने के बाद आप देखिए हीट हो रहा है, उसका ऊपर मैं प्याज जो रखा था, ये प्याज उसका ऊपर मैंने डाल दिया। डाल के मैंने प्याज को मिक्स कर दिया। प्याज का कंडीशन ऐसे होने के बाद मैंने जो गार्लिक कट कर रखा था उसका ऊपर डाल दूंगा और अदरक भी डाल दूंगा और अच्छा से मिक्स कर दूंगा। प्याज का कंडीशन ऐसा होने के बाद 10 मिनट के बाद मैं उसका ऊपर धनिया पाउडर डाल दूंगा 2 चम्मच, गरम मसाला भी डाल दूंगा 2 चम्मच और उसको अच्छा से मैं मिक्स कर लूंगा। मसाला को अच्छा से मिक्स होने के बाद उसका ऊपर मैं थोड़ा नमक डाल दूंगा स्वाद अनुसार, रेड चिली डाल दूंगा 1 चम्मच और उसको मैं अच्छा से मिक्स कर लूंगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं टमाटो जो चॉप करके रखा था एक टमाटो को डाल दूंगा। मैं उसको मिक्स कर लूंगा। टमाटो एंड मसाला मिक्स होने के बाद कंडीशन ऐसा है, उसको मैं 5 मिनट के लिए थोड़ा उसको मैंने कवर कर दिया। अब मैं उसका ऊपर मटन जो मैरिनेट करके रखा था डाल दूंगा और उसको मैं अच्छा से मिक्स कर लूंगा मसाला के साथ। ना मटन को मैंने मसाले के साथ अच्छा से मिक्स कर दिया और उसको मैं बस कवर कर दिया और बीच बीच में उसको मिक्स करूँगा। मटन 5 मिनट बॉयल होने के बाद उसका ऊपर मैं मीट मसाला जो रखा था डाल दूँगा और उसको अच्छा से मैं मिक्स कर दूँगा। मीट मसाला अच्छा से मिक्स होने के बाद मैंने आलू जो काटा था उसका ऊपर आलू डाल दूँगा क्योंकि मैं मटन में आलू डालता हूँ और उसको मैं मिक्स कर दूंगा। आलू को मैंने मिक्स कर लिया और उसको ऐसे ही बाहर 15 मिनट पकाऊंगा, बीच बीच में उसको मिक्स भी करूंगा। ये मैंने कवर कर दिया। उसके बाद मैं 5 सीटी प्रेशर कुकर में दूंगा। उसके बाद आवार मटन इज रेडी। मटन अच्छा से 10 मिनट बाहर में पकने के बाद मैं अभी प्रेशर कुकर में उसको ट्रांसफर करूंगा और 4 सीटी दूंगा। उसके बाद मेरा मटन रेडी हो जाएगा। अभी मैंने मटन को प्रेशर कुकर में ट्रांसफर कर दिया, वो गर्म पानी उसका ऊपर डाल के 4 सीटी दे दूंगा और गर्म पानी
डाल दिया। नाउ आवर मटन इज रेडी। इसको ग्रेवी का साथ खाएंगे, मतलब रोटी का साथ। नाउ आवर मटन इज रेडी। अगर इसको हम रोटी के साथ खाएंगे, ग्रेवी देखिए बहुत अच्छा है, लुक्स गुड। मटन पीस भी ठीक ठाक है।